नमस्कार। मेरे पास आमतौर पे जो छोटे छोटे मोहल्लों में दुकान करते हैं शॉपकीपर आए, कहते गर्ग साहब बड़े परेशान हैं, बताइए कि हम क्या करें, आयकर रिटर्न फाइल करें ना करें। तो हमारे देश में ये छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी हैं, कम से कम मान के चलिए पूरे देश में गली मोहल्ले की दुकानें मिलाएं तो 2 करोड़ से ऊपर ही जाएंगी। तो मैं आपका मित्र एडवोकेट MBA शशि भूषण गर्ग, तो आज हम बात करेंगे हमारे मोहल्ले की जो छोटी छोटी दुकानदार हैं कि वो अपने कागज कैसे संभालें और कैसे काम करें, उन पे आयकर के क्या नियम है, GST के क्या नियम है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारा देश में बड़ी अच्छी चीज है कि जो मोहल्ले के दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, ये बहुत वैल्यूएबल सर्विस देते हैं। ज्यादातर ये अपने घरों में दुकान चलाते हैं और कई केसों में तो होता है कि नीचे दुकान होती है, ऊपर रिहायश होती है, या आगे दुकान होती है, पीछे फैमिली रहती है। क्योंकि हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है और देश में ये मॉल कल्चर तो अभी शुरू हुआ है, पहले तो सारे लोग घरों में ही दुकानें करते थे और इसे पूरे देश में मान्यता प्राप्त है एक तरह से। मतलब कि कोई बंदा अगर अपने पुराने, अगर हम बाजारों की बात करें देश के कोई भी, या हर एक शहर में एक सदर बाजार होता है, तो आप देखेंगे उसमें ऐसे ही होता है कि घर और दुकान का कंबाइंड होता है। अब इसमें नियम कह दे वही है कि उस पे GST तब लागू होता है जब उसकी बिक्री हमारी 30 लाख से ऊपर जाएगी, तो उस पर GST के नियम लागू हो जाते हैं। और आयकर के वही नियम है कि अगर उसके यहाँ कार्ड स्वैप होता है, या वो पेटीएम से या किसी वॉलेट से पेमेंट लेता है, और वही उसकी पेमेंट की अगर ट्रांजेक्शन GST की लिमिट को पार करती है, तभी उस पर GST लागू होता है। अगर वो कोई भी अचंती में बिजनेस करता है तो उसको किसी भी टैक्सेशन से डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने व्यापार को आराम से और सुगम तरीके से कर सकता है। अब उसे जब माल लेना है एक मोहल्ला दुकानदार को, या छोटे बिजनेस में जब उसे माल लेना है, तो जो उसे माल मिलेगा वो जीएसटी के अंदर दो बिल कटते हैं, एक टैक्स इनवाइस होता है, एक रिटेल इनवाइस। रिटेल इनवाइस मतलब आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए माल लेके जा रहे हो, ठीक है, आप छोटे दुकानदार हो, माल आप आगे बेचते हो, कोई समस्या नहीं है, तो उसके अंदर आपको जो माल मिलेगा वो रिटेल इनवाइस पे मिलेगा। आप माल लीजिए, माल बेचिए, गवर्नमेंट को जो GST टैक्स है, गवर्नमेंट को उसकी प्राप्ति हो चुकी है, गवर्नमेंट को उसमें कोई टैक्स का नुकसान नहीं है। अब इसमें नॉर्मली जो हल्का सा अंतर क्या आता है कि मान लीजिए किसी मोहल्ले दुकानदार ने 1 महीने में 1 लाख का माल बेचा, अब 1 लाख में जो GST है वो 18% चला गया। अब जब उसने अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में माल बेचा, वो माल बिका 1,05,000 का, तो देखा जाए तो जो टैक्स का डिफरेंस है 5 लाख पे 18% का डिफरेंस आता है। पर देश की इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए और एक देश के कल्चर को समझने के लिए तो सरकार इन छोटे मोहल्ले के दुकानदारों को परेशान नहीं करती है। नॉर्मली कोई भी GST का ऑफिसर जाके उनको ये नहीं कहता कि आप नंबर लो, क्योंकि उनका जो काम का जो वॉल्यूम होता है बड़ा छोटा होता है, जो पर्टिकुलर मोहल्लों में राशन या पंचर की या छोटी छोटी जो डेली नीड की चीजों का बिजनेस करते हैं, तो उन पे वैसे कोई GST और इनकम टैक्स के वैसे रूल लागू नहीं होते हैं। जैसे सपोज किसी को मेडिसिन की शॉप करनी है तो उसमें नियम है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए मेडिसिन बेचने का, पक्के बिल होने चाहिए, वहां आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। पर जो खुदरा छोटे मोहल्ले वाले बिजनेसमैन है उस पर कोई नंबर की बाध्यता नहीं है। हाँ, जैसे उनका दूध आता है तो दूध भी उनका डेली बेसिस पे आता है, जो मदर डेयरी वाले या दूसरी कंपनी वाले उन्हें डेली माल देके जाते हैं, ब्रेड लेके जाते हैं। नॉर्मली ये कैश बेसिस पे ज्यादा रोटेशन चलती है। अभी ऐप आ गए हैं पर फिर भी ज्यादातर देखा गया है कि इनकी 70 से 80% सेल तो कैश में रहती है, तो ज्यादातर ये कैश से कैश इनका खत्म होता जाता है और जो डिफरेंस है उनसे इनका घर परिवार पलता रहता है। पर अगर ये अपना इसमें जरूरी बस यही है कि ये अपनी आयकर की रिटर्न डालें। भारत सरकार ने वैसे ही 5 लाख तक रिटर्न माफ की हुई है। अगर हम इसे उल्टा देखें कि एक बंदे ने 50 लाख का माल बेचा, 10% प्रॉफिट भी लें तो 5 लाख उसकी इनकम आती है, तो 5 लाख की ITR भर सकता है, उसमें जो टैक्स है 12,500 का वो भारत सरकार अपनी तरफ से पे करेगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि उन्हें कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी मोहल्ला बिजनेसमैन का व्यापार बढ़ जाता है, ईश्वर की कृपा से उसका वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, तब उसे GST नंबर लेने की जरूरत है। छोटे काम में जहां कैश का या अचंती का काम है, वहां उसे GST नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से काम कर सकता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि रिटर्न अगर वो भरता है तो एक तो उसकी वाइट की कैपिटल खड़ी होती है और वो अपने आप को सेफ एंड साउंड फील कर सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली हैं।
और मेरे ख्याल से किसी भी तरह की इस छोटे बिजनेस में टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई समस्या नहीं है। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, मेरे YouTube चैनल CA रूबी शशि को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram पे फॉलो करें। अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।